मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामायण में प्रभु श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़ी कई कथाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। उन्हीं कथाओं में से एक कथा यह भी है कि लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस आने के कुछ दिनों बाद प्रभु श्री राम ने गर्भावस्था में माता सीता का त्याग कर उन्हें वन भेज दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर किसके श्राप की वजह से प्रभु श्री राम के होते हुए भी माता सीता को गर्भावस्था में वन में जाना पड़ा? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको माता सीता को मिले श्राप की कथा बताने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार त्रेता युग में मिथिला नगरी में जनक नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में कई महीनों से बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण वो एक यज्ञ के लिए खेत को जोतने गए। राजा जनक जब खेत जोत रहे थे तभी उन्हें वहां एक कन्या दिखाई दी जो बड़ी ही सुंदर थी। कोई संतान नहीं होने के कारण राजा जनक उस कन्या को देखकर खुश हो गए और उसे अपनी कन्या मानकर राजमहल ले आए। यही कन्या बाद में माता सीता के नाम से जानी गई। सीता जब बड़ी हुई तो एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ राजमहल के बगीचे में खेल रही थी। खेलते खेलते सीता जी को बगीचे से सटे हुए पर्वत पर एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा ही सुंदर था। फिर सीता जी ने देखा कि वो तोते का जोड़ा आपस में बातें कर रहा था कि आने वाले समय में पृथ्वी पर श्री राम नाम के एक बड़े ही प्रतापी राजा होंगे और उनकी पत्नी का नाम सीता होगा। श्री राम के साथ महारानी सीता कई वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज करेंगी। तोते की यह बात सुनकर पहले तो सीता जी को आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वो मन ही मन सोचने लगी कि हो ना हो ये तोते का जोड़ा मेरे ही बारे में बात कर रहा है, क्यों ना इस जोड़े को पकड़कर मैं अपने भविष्य की और बातें जान लूं। इसके बाद सीता जी ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सहेलियों से उसे पकड़ कर लाने को कहा। सीता जी का आदेश मिलते ही उसकी सखियां उस पर्वत पर गईं और तोते के उस जोड़े को पकड़ लाईं। फिर तोते के जोड़े को सीता जी ने अपनी गोद में ले लिया। सीता जी की गोद में जाते ही तोते का वह जोड़ा डर से कांपने लगा। तोते के जोड़े को डर से कांपता हुआ देखकर सीता जी बोली, तुम दोनों डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर सीता जी उन दोनों से पूछने लगी कि तुम दोनों कौन हो और कहां से आए हो? अभी जो तुम दोनों श्री राम और सीता के बारे में बात कर रहे थे वो कौन है? साथ ही साथ ये भी बतलाओ कि तुम लोग उन दोनों को कैसे जानते हो? माता सीता के पूछने पर नर तोते ने कहा, हे देवी, एक वाल्मीकि नाम के एक बड़े विद्वान ऋषि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम से एक ग्रंथ की रचना की है जिसका पाठ वो अपने शिष्यों को रोज करवाते हैं। इसके बाद नर तोते ने कहा, हे देवी, इसी रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि राजा दशरथ के लिए महर्षि ऋषिशृंग के द्वारा किए जाने वाले पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु श्री राम के नाम से अयोध्या में अवतरित होंगे। श्री राम जब विवाह योग्य हो जाएंगे तो वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी में आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर जनक पुत्री सीता से विवाह करेंगे। इसके बाद नर तोते ने कहा, हे देवी, मुझे जो कुछ मालूम था वो सभी मैंने तुम्हें बता दिया, कृपा कर अब हम दोनों को छोड़ दीजिए। नर तोते की बात सुनकर सीता जी के मन में और बातें जानने की जिज्ञासा बढ़ गई और वह तोते से पूछने लगी कि अब हमें यह बताओ कि राम देखने में कैसे होंगे। तब नर तोता बोला, हे सुंदरी, श्री राम का मुख कमल के समान सुंदर होगा, उनके नेत्र बड़े बड़े होंगे और गर्दन शंख के समान होगी। इससे ज्यादा मैं श्री राम का बखान नहीं कर सकता, क्योंकि श्री राम के गुणों का बखान सौमुख वाला भी नहीं कर सकता। हे देवी, वो जनक पुत्री जानकी बड़ी ही भाग्यशाली है जो श्री राम की पत्नी बनकर कई सौ वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज करेगी। इतना सब कहने के बाद नर तोते ने सीता जी से पूछा, हे सुंदरी, क्या तुम बता सकती हो कि तुम हम दोनों से ये बातें क्यों जानना चाहती हो? तब सीता जी गंभीर होते हुए बोली, हे शुक्र, तुम जिस जनक पुत्री जानकी अर्थात सीता की बातें कर रहे हो वो मैं ही हूँ। सीता जी के इतना कहते ही तोते का जोड़ा उन्हें ध्यान पूर्वक देखते हुए बोला, हे देवी, अब आप जान ही गई हो कि हम दोनों आपके बारे में ही बात कर रहे थे, तो आप कृपा कर हमें वापस महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाने दो। तब सीता जी बोली, मैं तुम दोनों को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा विवाह श्री राम के साथ नहीं हो जाता, तब तक तुम दोनों सुखपूर्वक मेरे महल में रहो। सीता जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर मादा तोता चिंतित हो गई और सीता जी से बोली, हे सुंदरी,
हम दोनों वन में भ्रमण करने वाले पक्षी हैं। हमें तुम्हारे इस राजमहल में कोई सुख नहीं मिलेगा और मैं गर्भवती भी हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम अपने बच्चे को जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही दें, इसलिए हम दोनों को जाने दो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि बच्चे को जन्म देने के बाद हम दोनों आपके पास वापस आ जाएंगे। लेकिन मादा तोता के बार बार विनती करने के बाद भी सीता जी उन दोनों को छोड़ने को राजी नहीं हुई। यह देख नर तोते ने सीता जी से कहा, हे देवी, मेरी पत्नी गर्भवती है, ऐसे में इसे अपने राजमहल में कैद मत करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देगी, मैं इसे लेकर आपके पास आ जाऊंगा। नर तोते की बात सुनकर माता सीता बोली, यदि तुम चाहो तो जा सकते हो, परंतु तुम्हारी पत्नी मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे अभी नहीं जाने दूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पत्नी का पूरा ख्याल रखूंगी। यह सुन नर तोता बोला, हे देवी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। मेरी प्रार्थना है कि तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो। परंतु नर तोते के बार बार प्रार्थना करने पर भी सीता जी उसकी पत्नी को छोड़ने को राजी नहीं हुई। यह देख माता तोता को क्रोध आ गया और वह सीता जी से बोली, हे सीते, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह तुम आज मुझे गर्भावस्था में अपने पति से अलग कर रही हो, उसी प्रकार तुम्हें भी गर्भावस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। इतना कहकर माता तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी के मरने के बाद नर तोता दुखी हो गया और उसने सीता से कहा, हे जनक नंदिनी, पत्नी के वियोग में मैं भी अपना प्राण त्याग रहा हूँ, परंतु एक बात बता दूं कि मेरे ही कारण तुम्हें श्री राम त्याग देंगे और तुम्हें पति का वियोग सहन करना पड़ेगा। इतना कहकर उस तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। मित्रों, कथा की माने तो उसी नर तोते ने अगले जन्म में अयोध्या नगरी में एक धोबी के रूप में जन्म लिया और उसके कहने पर ही प्रभु श्री राम ने माता सीता का गर्भावस्था में त्याग कर दिया था। इसके बाद की कथा तो आप सभी जानते ही हैं, अगर नहीं जानते तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। इसलिए मित्रों, आपने सुना होगा कि मनुष्य जैसा भी कर्म करता है उसका फल उसे इसी लोक में मिल जाता है, फिर चाहे वो साधारण मनुष्य हो या फिर भगवान के रूप में अवतरित कोई मनुष्य। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको माता सीता से जुड़ी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल शोभना मिश्रा सब्सक्राइब कर लें।